लेकिन छात्रों की समस्याएं जैसे कि अंक तालिका की समस्या है। सबसे पहला संदेश यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रथम बार यहाँ पर कुलपति के रूप में पहली बार ही आई हूँ। न छात्रों के बिना विश्वविद्यालय का कोई स्वरूप है, न शिक्षकों के बिना कोई स्वरूप है। छात्राओं के लिए मेरा यही कहना है कि अपने मूल स्वभाव को और अपने मूल विचार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु आज लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। बहुत सी महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है, वो पुलिस चौकी में भी जाना नहीं जानती हैं, कैसे FIR लिखाना है वो भी नहीं जानती हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अजीत डोभाल जी, इस जैसे महान व्यक्तित्व जहाँ से पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी में आज हम उपस्थित हैं। और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशु रानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, चूंकि आप पहली आगरा यूनिवर्सिटी से पहली वाइस चांसलर हैं, तो क्या चुनौतियां आप देखती हैं? और आप कोटा राजस्थान से आई हैं, तो वहां में और यहाँ आगरा में क्या अंतर महसूस करती हैं? मुझे भी बहुत पहली बार जब मैं आई थी, क्योंकि 1927 को बना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसको पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय कहते थे, उसमें प्रथम महिला कुलपति के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मेरे लिए भी एक बहुत सुखद और बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुभव रहा कि ऐसे विश्वविद्यालय में जिसमें इतने महान लोग पढ़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, ये विश्वविद्यालय कैसा होगा, ये सोचकर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा था। यहाँ आई हूँ, मैंने ज्वाइन किया है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आगरा और आगरा विश्वविद्यालय की जो जड़ें हैं, जो नींव है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव है। जी चुनौतियों का सामना, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ जिस तरीके से एक आसपास का माहौल बदलता है, उस तरीके से किसी भी संस्था के माहौल में भी परिवर्तन होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का जो कुछ पिछले 10 वर्ष का जो काल था, वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ से काफ़ी बातें, एक नेगेटिव बातें बाहर समाज में फैल रही थी। तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस विश्वविद्यालय का जो पुरातन इतिहास है, जो पुरातन स्थायित्व है, जो इसकी संस्कृति है, जो इसका गौरव है, उसको मैं कैसे पुनः खिला पाऊँ, यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगी। और मेरे पास चुनौती ये आज भी है, धीरे धीरे सभी के सामंजस्य से, सामाजिक सरोकार से इस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, वो स्वयं भी एक महिला हैं, और यही भी एक कारण रहा कि उन्होंने महिलाओं को इस बार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति के का पदभार ग्रहण कराया है। जी और उन्होंने जो जिन चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है जी और समय समय पर वो हमको बताती रहती हैं, वह शायद एक हमारे लिए एक आगे से आगे रास्ता बनाने का काम कर रहा है। और आपका अनुभव जो हम लोगों को वो देती जा रही हैं कि मैं भी प्रथम बार यहाँ पर कुलपति के रूप में पहली बार ही आई हूँ, तो और ये मेरा पहला कार्यकाल है, तो समय समय पर उनका जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जो उनका अनुभव है, वह इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में बहुत ही सहायक हो रहा है। जी मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप पहली बार कुलपति के रूप में यहाँ पर आपने पदभार संभाला है, तो कोटा राजस्थान में जब आप वहाँ पर, जब आप जिस पद पर थी, आप रसायन विज्ञान में आप प्रोफेसर थी, HOD थी, तो मैम उस पद में और इस इतने बड़े पद में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? कितनी हाँ, ये ठीक है कि मैं वहाँ प्रोफेसर के पद पर थी, लेकिन कोटा विश्वविद्यालय एक बहुत नया विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, और मैं वहाँ पर प्रथम जो नियुक्तियाँ हुई थी उसमें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई थी। तो एक नए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर, डायरेक्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने का मुझे जो अनुभव मिला, तो मुझे विश्वविद्यालय के, चाहे तो विश्वविद्यालय की बनाना हो, उनकी विभिन्न बिल्डिंग्स को बनाना हो, उस पर भी योगदान रहा, उसके अंदर कार्यक्रमों को प्रारंभ करना और एकेडमिक कार्यक्रम को प्रारंभ करना,
उसका भी पूरा अनुभव मिला। वहां पर फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे करते हैं, परीक्षाएं कैसे शुरू की जाए, पर एक नए विश्वविद्यालय को पूरे एक बड़े विश्वविद्यालय के स्वरूप देने में मेरा पूर्ण सहयोग रहा। और मैंने वहां पर अपने विभागाध्यक्ष के अलावा मैंने डीन के रूप में कार्य किया, डीन पीजी स्टडीज के रूप में कार्य किया, फाइनेंस ऑफिसर के रूप में कार्य किया, जी सेंट्रल परचेज कमेटी की कन्वीनर के रूप में कार्य किया। मैंने वहां पर बिल्डिंग कमेटी में, बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस में, एफिलिएशंस में, विभिन्न जितने भी एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग होते हैं उन सबको संभालने में, उन सबको स्थायित्व देने में, उन सबको बनाने में कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहा। जी और इसी इसी की वजह से आपको यहाँ पर इतना बड़े पद पर दिया। और उसका एक बहुत मुझे ये फायदा हुआ कि विश्वविद्यालय के किसी एक विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में कार्य करने का मुझे अनुभव प्राप्त था। और इसीलिए मैं विश्वविद्यालय की हर समस्या को, विश्वविद्यालय के हर विभाग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाई, क्योंकि मुझे एक नए विश्वविद्यालय को बनाने का अनुभव था। जी तो अक्सर देखा जाता है कि कोई भी संस्थान हो वहाँ पर शिक्षकों में भी कई सारे गुट बने होते हैं, तो क्या वो चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिली, और अगर हाँ है तो फिर उसे कैसे आप संभालती? हाँ ये सच है कि विश्वविद्यालय किसी भी विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के गुट बन जाते हैं, और ये शायद समान विचारधारा के लोगों का एक समूह होता है जो बनता है। जी लेकिन मेरा देखने का नजरिया ये था कि भले ही विभिन्न समूह हो लेकिन उन समूह सभी समूहों में कोई ना कोई एक विशेष बात होती है, और सबकी ही एक अलग विशेषता भी होती है, विशेषता रहती है, एक उनका एक अनुभव एक अलग तरीके का रहता है। तो मैंने कोशिश ये की कि प्रत्येक गुट के प्रत्येक सदस्य को उनके अनुभव के अनुसार और उनकी कार्य क्षमता के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया और उनको वो कार्य भी दिया। तो वर्तमान में सभी शिक्षक मुझे सहयोग दे रहे हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है, कुछ का कार्य करने का तरीका बहुत फास्ट होता है, कुछ का स्लो होता है, कुछ करते हैं कुछ दिखाते हैं, पर कुल मिलाकर ये है कि कार्य सभी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है क्योंकि किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए ये सच है कि स्ट्रॉन्ग जो टीम होती है वो बहुत मायने रखती है, जी और जब तक टीम स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक अपने साथ स्ट्रांग टीम के साथ साथ छात्रों की स्ट्रांग टीम, कर्मचारियों की स्ट्रांग टीम और शिक्षकों की स्ट्रांग टीम जी सभी को बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जैसे ही हमारी सभी टीमें तैयार हो जाएगी और वो मन से ये सोच लेंगी कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के गौरव को पुनः प्राप्त करना है, तो हमको इस कार्य करने से कभी कोई नहीं रोक पाएगा। जी आपने छात्रों की बात की, तो अधिकतर ये देखा गया है कि छात्र और शिक्षकों में विवाद की स्थिति बनी रहती है, चाहे छात्र संघ के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, तो उसको कैसे उसमें सामंजस्य बिठा करके और आप इन सब से काम लेंगी? देखिए छात्र से शिक्षक है और शिक्षकों से छात्र है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना छात्रों के बिना विश्वविद्यालय का कोई स्वरूप है, ना शिक्षकों के बिना कोई स्वरूप है। जी और जो आपस की भी जो लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे देखना मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमने ये देखा है कि छात्र मन से नहीं लड़ते हैं। मन से कोई भी, ना तो शिक्षक ना छात्र विश्वविद्यालय का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु छात्रों की भी अपनी एक, क्योंकि उनको भी थोड़ा राजनीति करनी होती है, तो उस राजनीति के हिसाब से वो राजनीतिक रूप देते हैं, उसको एक रंग देते हैं। जी और पर वास्तविकता यह है कि प्रत्येक छात्र भी यही चाहता है। हाँ वो बात दूसरी है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जिनको कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से कुछ सपोर्ट मिलता है, तो एक दूसरे के विरुद्ध वो उसको छात्र राजनीति को इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु छात्रों और शिक्षकों के बीच में यहाँ मैंने देखा कि आपस में तो बहुत अच्छे संबंध हैं जी, लेकिन वो वर्ग है, अलग अलग गुट है। कुछ छात्रों और कुछ शिक्षकों के बीच बहुत अच्छे संबंध है, दूसरी तरफ दूसरे छात्र और दूसरे छात्र गुटों के बीच में संबंध है। जी तो कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा कि जब एक अपोजिट ग्रुप के जो छात्र हैं, अपोजिट ग्रुप के शिक्षकों के बीच में कुछ विवाद विवाद की स्थिति पैदा हुई, तो उसको शांतिपूर्वक सुलझाया और
समझाने का भी प्रयास किया कि भाई आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जी हम सब एक ही कॉज के लिए हैं और वो हमारा विश्वविद्यालय है, क्योंकि सभी को इसके गौरव के लिए काम करना चाहिए, वही सर्वोपरि है। बाकी आपसी विवाद से नुकसान विश्वविद्यालय को होगा, जी जिसके लिए हमें सबको सोचना होगा। मैम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1927 में बनी, आज़ादी से पहले की है, ब्रिटिश शासनकाल की यूनिवर्सिटी है, और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो क्या उतने ही बड़े चैलेंजेस एक छोटी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के बीच में होते हैं? नहीं, दोनों के चैलेंजेस थोड़े अलग होते हैं। जैसे छोटी विश्वविद्यालय में या नए विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा चैलेंज होता है फाइनेंसेस को इकट्ठा करना या फाइनेंसेस लेना। प्रत्येक जी के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी प्रकार से राज्य सरकार से हम नई पोस्ट प्राप्त करें, किस तरीके से हम पैसा लें ताकि नई बिल्डिंग्स बने, नया स्वरूप बने विश्वविद्यालय का, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैसा होता है। जबकि हमारे पुराने विश्वविद्यालय के अंदर पैसे की उतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, परंतु समस्या होती है कि जो चीज कभी हमारा एक गौरव के रूप में हुआ करता था, वो जैसे धीरे 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 खत्म होने की स्थिति में जब आ जाता है, तो उसको हम किस तरीके से पुनर्जीवित करें, वो एक सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होती है कि जो 100 साल पुराना लगभग विश्वविद्यालय होने वाला है, जी उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि वो पुरातन समय से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करना एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। उस तकनीकी का भी यह ज्ञान नहीं होता है, जी और उस तकनीकी के लिए भी कई बार काफी इंतजार करना पड़ता है। तो दूसरी समस्या एक ये भी पुराने विश्वविद्यालय की है। जी बाकी इस विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, पुराने विभाग हैं और संबंध महाविद्यालय है, जैसे आगरा कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज है, बहुत सारी बड़ी बड़े कॉलेजेस भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। जी तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे आप ललित कला संस्थान कहिए, KMI कहिए, जी दूसरे और भी जो साइंस के विभाग हैं, IIT अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग संस्थान है, जी तो इस विश्वविद्यालय में विविधताएं भी हैं बहुत, और जो शैक्षिक उन्नयन की संभावनाएं भी बहुत है, और नई शिक्षा नीति लगने के बाद जी यहाँ पर उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहे हैं। शैक्षिक गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे माहौल परिवर्तित हो रहा है, जो कि एक नई शिक्षा नीति की जी भी मैं देन है। उसी प्रश्न पर आ रहा था कि नई शिक्षा नीति जब लागू अब हो गई है, तो क्या नई शिक्षा नीति को लागू करने में, चूंकि नई टेक्नोलॉजी होती है और सारी चीज़ें नई होती हैं, पर सिलेबस भी चेंज है, तो क्या शिक्षकों के बीच में और छात्रों के बीच में सामंजस्य कैसा रहेगा, और उनको लागू करने में कौन कौन लोग सहायक हैं और कौन विरोधी हैं? मुझे बहुत गर्व के साथ ये मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश वस्तुतः भारत में उन प्रमुख राज्यों में से है जिसने नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया और नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू कर दिया है। और बहुत सारे देश के अन्य राज्यों में, जहाँ पर भी, इवन राजस्थान में भी अभी नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया गया है, जी परंतु यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी विषयों का परिवर्तन हो गया है, जी छात्रों ने उसको स्वीकार किया है, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही दो हमारे एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप कोई नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी एक असमंजस की स्थिति कहीं पर भी नहीं है, न छात्रों में है, और बहुत पूर्णता के साथ में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जी गया है। मैम, इससे जुड़ा एक और सवाल बनता है कि नई शिक्षा नीति तो लागू हो गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी, जैसे आपने बताया, कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन छात्रों की समस्याएं जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। जैसे कि अंक तालिका की समस्या है कि वो सेशन, कई सेशन बीत गए, 3-4 सेशन बीत गए, और अभी तक उनको उनके प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं। तो ये क्या समस्या है और इसका एक्चुअली समाधान अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? जी ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे डिग्रियां और मार्कशीट्स को हम लोगों ने एक कैंप लगाकर भी वितरित की है। जी समस्या है कि पहले जमाने में जब पुरानी एजेंसीज काम करती थी, आज से आप 7 साल 8 साल 10 साल पहले की बात अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर देखने में यह आया कि यहाँ जो पुरानी मार्कशीट्स हैं,
या पुरानी डिग्रियां हैं वो भी छात्रों ने अभी तक नहीं ली है, छात्र ले रहे हैं। ये बहुत कम विश्वविद्यालयों में देखने में मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि 1970 और 80 की डिग्रियां भी आज छात्र अप्लाई कर रहे हैं, मांगने आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं। जी अब परिवर्तन ये हुआ है कि पहले हाथ से डिग्री बनती थी, जी हाथ से मार्कशीट्स बनती थी और हाथ से भी चार्ट्स बनते थे, तो उन चार्ट्स में हाथ से करेक्शन किए गए हैं। हाथ से जो करेक्शंस हाथ से करने लें उसमें जो संभावना होती है कि छात्र बाहर से या किसी भी प्रेशर से या किसी गलत तरीके से भी जी अगर चार्ट्स के अंदर परिवर्तन करा लेता है या करता है तो वह एक समस्या के रूप में उभरती है, जैसा कि पिछले सालों में यहाँ हुआ था जी या हो रहा था। तो इसलिए समझ में नहीं आया कि जो मार्क्स उनको चार्ट में दिए गए हैं, परंतु अभी मेरे आने के बाद हमने जो भी चार्ट जिस स्थिति में थे उन सभी चार्ट्स को स्कैन करा दिया गया है अच्छा और स्कैन चार्ट को हमने फाइनल चार्ट माना गया है और उसी के अनुसार ही अब मार्कशीट जो भी लेने आते हैं लोग जी, उनको मार्कशीट मिल रही है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अब संभव परिवर्तन नहीं की है, संभावना संभावना तो नहीं नहीं है। है तो इन चीजों को, क्योंकि चार्ट स्कैनिंग में ही 1927 से लेके अब तक के चार्ट्स को स्कैन करना उसमें काफी समय लगा। अभी लगभग हमारे सारे चार्ट स्कैन हो चुके हैं, छात्रों को जा भी रहे हैं, लेकिन अभी जो पुरानी एजेंसी के पास जो डेटा था यानी कि 15 से लेकर के 21 तक का सारा डेटा वो जी। पुरानी एजेंसी के पास था, वो पुरानी एजेंसी ने दिया है, लेकिन उसके बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ, तो वो चार्ट अपडेटेड चार्ट है। इसलिए कई सारी चीजों को देखते हुए डिग्रियां या मार्कशीट बनानी हो रही है। डिग्री जितना हमारा पिछले वर्ष का था, जितनी पिछले वर्ष की डिग्रियां थी, वो जैसे ही हमारा कन्वोकेशन हुआ था सभी डिग्रियां विपरीत करती गई कन्वोकेशन के साथ ही। जी जितनी भी मार्कशीट्स थी, जो भी हमारी मार्क्स थे, वो सब डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए गए। जी डिजी लॉकर पर जो अपलोड करने का जो एक परफॉर्मा होता है वो डिफरेंट होता है। अब उनकी जो आपकी मार्कशीट्स जो बन रही है वो लगभग 1 लाख मार्कशीट्स तैयार है और मेरे ख्याल से कैंप भी लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस भी अभी भी कैंप लगा बार बार लगाने के बाद भी आकर अपने छात्रों की डिग्रियां नहीं लेते हैं। ऐसे छात्र फिर विश्वविद्यालय में आते हैं या विश्वविद्यालय के ऊपर ये रहता है कि हमारी डिग्री नहीं मिली है, जबकि डिग्री और मार्कशीट संबंधित कॉलेज में जहां से वो पढ़ता है वहां पर भिजवाई जाने का प्रावधान है, जी लेकिन कॉलेज वहां आकर लेता नहीं है और वो विश्वविद्यालय पर ही बची रह जाती है ऐसे। और हम लोग जबरदस्ती कॉलेज को देते भी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां पर आकर छात्रों के साथ में कुछ असुविधा हो, इसलिए लगातार छात्र यहाँ पर आते रहते हैं कि हमको डिग्री चाहिए या हमको मार्कशीट चाहिए, तो वो चीजें संबंधित रहती हैं। मैम अपना खुद का भी आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी कैंपस है, जैसा आपने बताया इंजीनियरिंग का पूरा सेटअप है, तो प्रवेश परीक्षा जो होती है और उसके बाद में परीक्षाएं होती हैं और फिर छात्रों को उनके प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं, तो इस सब में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग एज ए यूनिवर्सिटी कैसे कर रहे हैं? इसको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दिया गया है, प्रवेश भी टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन प्रवेश होता है, जी ऑनलाइन ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाते हैं जी और ऑनलाइन ही आप एग्जामिनेशन के बाद में डिग्री या मार्कशीट का भी, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन माध्यम से ही सब चीज़ दी जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो अब तक अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो भी बची खुची समस्या है और हम लोग प्रयासरत हैं, इसके अंदर ये है कि यूनिवर्सिटी का अपना सर्वर होना चाहिए। जी अपना सर्वर होने के लिए हम लोगों ने अभी तक हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने जितना हमारा 1927 से लेके अब तक का बहुत बड़ा डेटा है उस सब डेटा के लिए हमारे पास में जो स्पेस हमको देना चाहिए वो उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो इसके लिए हमने दूसरी एजेंसी से भी प्रयास किया है कि ठीक है, अगर हमको गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो हम एक अमेजोन से या प्राइवेट जो भी है वहां से हम लोग एक स्पेस लें और स्पेस लेके हम अपना सारा जितना भी हमारा मटेरियल है वो अलग अलग क्लाउड पे ना लेके एक ही क्लाउड पे डालें ताकि उनके बीच में कनेक्टिविटी हो सके। तो जी उसके लिए लगातार हमारा आईटी विभाग प्रयास कर रहा है और बहुत जल्दी ही हमको हमारा अपना स्पेस मिल जाएगा ताकि हम जितना भी हमारा स्पेस है उसके बेसिस पे हम अपना सारा काम कनेक्टेड फॉर्म में कर सकें। जी अभी हमको एक पटल से दूसरे पटल पर जाना पड़ रहा है जी क्योंकि हर डेटा अलग अलग जगह है। जी जैसे कि हमारा खुद
खुद का क्लाउड होगा, तब हम सारे डेटा को एक ही जगह कनेक्ट, एक ही जगह से एक्सेस भी कर एक्सेस भी कर पाएंगे जी। तो यानी सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो पाएगा। इसके लिए पिछले 2-3 महीने से लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि जितना जल्दी हमको ये प्राप्त हो जाए। जी हो सकता है कि हमको आज भी अभी इसी की हमने मीटिंग की थी, जी जैसे ही हमको स्पेस मिलेगा हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैम, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहें? नैक की तैयारी चल रही है, विश्वविद्यालय को डेटा कलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, और डेटा कलेक्शन के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं हुए हैं या दूसरी चीज़ें नहीं हुई हैं, गतिविधियाँ सब हुई हैं, लेकिन प्रत्येक विभाग से सभी गतिविधियों का को लेते हुए संकलन करना, कितने हमारे लोगों का प्लेसमेंट हुआ है उसका संकलन करना, उस सबकी कार्य जारी है और हम लोग करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाए। माननीय कुलाधिपति महोदया का बहुत फोकस है और आपका डायरेक्शन, और हम लोगों ने वहाँ जाकर और हम मुझे मेरा मानना है कि अगर हमने उनके लेवल तक अचीव कर लिया, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल तक अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली क्योंकि उनका इतना अनुभव है कि हमको डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा ग्रेड प्राप्त कर पाएंगे। जी मैम, आप भी एक महिला हैं और माननीय कुलाधिपति महोदय भी एक महिला है, राष्ट्रपति महोदय भी एक महिला है, और आपकी छवि जब मैं देखता हूँ तो आप में एक लीडर की छवि कम और मुझे एक माँ की छवि अधिक दिखाई देती है। तो आप जो बेटियाँ हैं उनके लिए किस तरीके से आप अपने कैंपस में काम करती हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ये महिला का एक नैसर्गिक गुण होता है कि स्वभाव भले ही सरल हो जी, पर दृढ़ता होती है जी, और हम अगर एक लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं ये एक नैसर्गिक अंतर होता है। मुझे कई बार ये ऐसा कहा कि आप बहुत सरल स्वभाव की हैं, ठीक, तो सरल होने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमको कोई काम करने के लिए अगर सोच लिया है कि हमको करना है तो हम सरलता से ही और दृढ़ता से ही उसको कैसे कर पाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। छात्राओं के लिए मेरा यही कहना है कि अपने मूल स्वभाव को और अपने मूल विचार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही हमें एक किसी परिस्थिति वश होकर स्वयं में बदलाव करना चाहिए, बल्कि आपके स्वभाव से आपकी विचारों से दूसरे लोगों में बदलाव ऐसा मानना चाहिए। और आप जितना शांत रहेंगे, जितना शांति से सरलता से किसी भी कठिन परिस्थिति को एक निकाल करके और एक सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ेंगे उतना ही जीवन में सफल होंगे। मैम, आप भी एक छात्रा रही होंगी तो उस परिवेश में और आज के परिवेश में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो करने वाला होता है या जिसको अचीव करना है जी, जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है वो तब भी करता था, वो आज भी करता है, बल्कि आज की परिस्थिति में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको टेक्नोलॉजी का सहयोग बहुत ज़्यादा है जी। जबकि हम लोग तब करते थे, तब चाहे लाइब्रेरी में हम लोग वर्क करते थे या किसी से मिलना होता था काम करते थे, चाहे हमने PhD में काम किया, MSc में काम किया, तो हम लोगों के लिए केवल लाइब्रेरी ही सब कुछ हुआ करती थी जी। हमारे लिए केवल शिक्षकों का साथ ही सब कुछ हुआ करता था, परंतु आज लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो चुनौती जितना कि कंपटीशन ज़्यादा कहते हैं, लेकिन कंपटीशन तब हमको भी ज़्यादा लगता था। अच्छा, कंपटीशन आज भी ज़्यादा है और कंपटीशन कल भी ज़्यादा रहेगा जी, लेकिन जिसने लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य के लिए प्रयास किया तो उसके लिए सरलता, हर रास्ता सरल होता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे पुरानी परिस्थिति और आज की परिस्थिति में मुझे कोई खास अंतर ऐसा दिखाई नहीं देता है, बल्कि मुझे लगता है कि आज अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है जी, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है। पहले IT सेक्टर को कोई नहीं जानता था, आज मैक्सिमम बच्चे IT सेक्टर में जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता था, माइक्रोबायोलॉजी को कोई, तब नए फील्ड थे, लेकिन आज ये सब टॉप पर पहुंच रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी टॉप पे है। तो ग्रोथ के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, तो
बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, केवल लक्ष्य निर्धारण करना और उसके लिए प्रयास करना और मेहनत करना, यही सबसे ज्यादा प्रमुख है। मैम अंत में इससे इतर मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि जैसा कि अभी आप समाज में देख रहे हैं, अभी मैंने आपसे कहा कि आप एक महिला हैं, तो जैसा कि आप अभी समाज में देख रही हैं कि जो महिलाओं और बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं और जिस तरह की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप ऐसी बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बहुत ही दुखद है, ये चीज़ जो अभी देखने में आया है। सबसे पहले चीज़ तो है कि बच्चियों को अपनी सेफ्टी के लिए ट्रेन करना होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरीके से बच्चे अपने लड़कियां, एक तो अपने राइट्स के बारे में उनको पता हो, दूसरा अपनी सेफ्टी के लिए भी वो लोग सजग रहें, सग रहें। दूसरा, बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेना, ये भी एक जो आज का माहौल है उसमें थोड़ा सा खुश हुए, थोड़ा सा आपके साथ में दो चार बार बातें की, आप लोग घूमे फिरे तो वो एकदम से विश्वास करने लगते हैं, जी और सही और गलत की पहचान का जो आवरण है वो इस अंधाधुंध जो चकाचौंध है उसने ख़त्म कर दिया है। पहले जी हम लोग बातचीत दो बार बात करने में पहचान लेते थे कि ये साथ बैठने योग्य है या नहीं है, परंतु तो आज क्योंकि जो एक आधुनिकता की जो दौड़ है वो इस आधुनिकता की दौड़ में चकाचौंध में इतने अंधाधुंध चकाचौंध है जो चारों तरफ, उसके अंदर जो सच और झूठ के बीच का जो पहचान है वो एक कहीं खो गई है। तो छात्राओं को बहुत सजग होना चाहिए और बहुत डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि अपने राइट्स के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां सब तरीके की परिस्थितियों में भी, शादी के पश्चात भी और शादी से पहले भी, जी जो महिलाओं को अगर अपने राइट्स के बारे में सही पता नहीं होगा, यानी लीगल राइट्स के बारे में पता नहीं होगा, जी बहुत सी महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है, वो पुलिस चौकी में भी जाना नहीं जानती हैं, कैसे FIR लिखाना है वो भी नहीं जानती हैं, जी छात्राएं आज ये भी नहीं जानती हैं कि क्या आप थाने में जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ हो जाए। तो वो संकोच, वो डर, वो चीज़ भी खत्म करनी होगी, तो तभी शायद कुछ परिवर्तन हो। वैसे जो माहौल पहले हुआ करता था, जी आज वो माहौल उत्तर प्रदेश में भी चेंज हुआ है और पूरे देश में भी चेंज हुआ है, परंतु फिर भी कुछ जो चीज़ जो लोग छुपा जाते हैं जी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। जी कहीं भी कोई भी परिस्थिति है, आपको कहीं भी असहज महसूस होता है तो उसको बताइए, अपने परिवार को बताइए, अपने शिक्षकों को बताइए, और आप पुलिस में बताइए, आजकल महिला थाने खुल गए हैं उनमें बताइए, ताकि किसी भी तरीके से आपको बचाया जा सके, संभाला जा सके जब आपके साथ में कुछ दुर्घटना हो। जी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी जो बच्चियां हैं वो बहुत संकोची रहती हैं, बताती नहीं है, केवल अपनी फ्रेंड को बता दिया, उस सबको तोड़ना होगा। मैम अंत में चलते चलते अपने छात्रों को और शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला संदेश यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसको अपनी जननी, अपनी अपना एक वो कार्य क्षेत्र मानिए, और इसकी उन्नति के लिए और इसको ऊपर गौरव पहुंचाने के लिए हम अपने शिक्षक शिक्षण में उन्नयन करें, छात्र अपने व्यवहार में उन्नयन करें, और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और एक अच्छा मानव नहीं है तो वह उसका शिक्षण भी बेकार है। तो जीवन में एक सच्चा हृदय लेते हुए सच्चा मानव बनने की कोशिश करें, तभी सफलता है और इस हम अपने विश्वविद्यालय के प्रति जो है वो कुछ समर्पण कर सकते हैं या उसका दायित्व को पूरा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद थैंक यू हमारे साथ थैंक बने यू रहने के लिए।